उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मैं हूँ उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम ने चीनी कंपनी के साथ मुहायदे को परेशान कुन करार दे दिया। ट्रूडो का कहना है कि हमें अपने इदारों में गैर मुल्की मदाखलत के बारे में बहुत मोहताद रहना होगा। मुहायदे में सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेंगे। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्री मेयर की मिसिसागा की मेयर पर तनकीद। फोर्ट का कहना है कि बॉनी क्रोम्बी, रोना धोना बंद करें और बोट पर आएं। बोनी क्रोम्बी का कहना है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। जीटीए में गैस की कीमतें एक साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। जुम्मे को गैस की औसत कीमत 135.9 सेंट फी लीटर होने का इम्कान। गैस की कीमतों में कमी का रुझान तेल की गिरती हुई कीमतों से मुंसलिक है। जौहरी जंग का खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन जंग तवील हो सकती है। रूसी सदर प्यूटिन के बयान को अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। सदर यूएई और प्यूटिन के दरमियान राबता, पेट्रोल मार्केट के मामलों पर गौर। चीन और सऊदी कंपनियों के दरमियान 34 मुहिदों पर दस्तखत। चीनी सदर का दौरा 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। चीनी सदर का तैयारा सऊदी हदूद में दाखिल हुआ तो तैयारों ने फिजा में इस्तकबाल किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. वफाकी हुकूमत चीन की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाली एक कंपनी को दिए गए RCMP के साजो सामान के मुहायदे का जायजा ले रही है, जिसे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने परेशान कुन करार दिया है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत चीन की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाली एक कंपनी को दिए गए RCMP के साजो सामान के मुहायदे का जायजा ले रही है, जिसे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने परेशान कुन करार दिया। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत खरीदारी से मुतालिक अपने नुक्ता नज़र का भी असर नौ जायजा लेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तहकीकात से पता चला कि पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट कैनेडा ने माउंटीज के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टरिंग सिस्टम बनाने और बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता साल सिंक्लेयर टेक्नोलॉजीज़ को $5,49,637 का एक मुहायदा दिया था, जबकि सिंक्लेयर ओंटेरियो में मुकीम है। इसकी बुनियादी कंपनी नॉर्थसेट इंटरनेशनल 2017 से चीनी टेलीकम्युनिकेशन फर्म हाइटेरा की मिल्कियत है। चीनी हुकूमत एक सरमायाकारी फंड के जरिए हाइटेरा के तकरीबन 10% की मिल्कियत रखती है। PSCP ने कहा है कि उसने बोली के अमल में सिक्योरिटी खदशात या सिंक्लेयर की मिल्कियत पर गौर नहीं किया। रेडियो कैनेडा ने इस मामले की मालूमात रखने वाले जराए के जरिए तस्दीक की कि सिंक्लेयर की बोली और उसके हरीफ क्यूबैक में मुकीम कंप्रूट की बोली के दरमियान फर्क $60,000 से कम था। ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत इस मामले को देखेगी और सरकारी खरीदारी में सिक्योरिटी के किरदार का जायजा लेगी। उनका कहना था कि बिल्कुल, हम सबसे पहले ये मालूम करने जा रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी यकीनी बनाएंगे कि हम ये मालूम कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होता रहेगा। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हमारे पास आज़ाद आवामी खिदमत के लिए कुछ हकीकी सवालात होंगे जिसने इन मुहायदों पर दस्तखत किए हैं, और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आगे बढ़कर इसमें तब्दीली की जाए। ऐसा होने का वक्त आ गया है।
ट्रूडो ने बुध को कहा कि उन्हें ये बात परेशान कुन लग रही है कि जब सिक्योरिटी एजेंसियां हमें बतौर हुकूमत और कैनेडियन मशवरा दे रही हैं कि हमें अपने इदारों में गैर मुल्की मदाखलत के बारे में बहुत मोहतात रहना होगा। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्री मेयर ने मिसिसागा की मेयर बोनी क्रोमबी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन्हें रोना धोना बंद कर देना चाहिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने मिसिसागा की मेयर बोनी क्रोमबी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें रोना धोना बंद कर देना चाहिए। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बिला इश्तियाल तनकीद करते हुए कहा कि मिसिसागा के मेयर और दीगर म्यूनसिपल रहनुमा जिन्होंने एक नए सूबाई हाउसिंग कानून की मुखालफत का इजहार किया है, उन्हें बोर्ड पर आने और रोना बंद करने की ज़रूरत है। डग फोर्ड ने उन मेयर्स के साथ मामला उठाया जिन्होंने इस कानून के बारे में खदशात का इजहार किया जो डेवलपर से म्यूनसिपल आमदनी को कम या ख़त्म कर देगा। लेकिन मिसिसागा की मेयर बोनी क्रोमबी को इसके बाद उसने हमसाया इलाके ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो के लिए ला तालुकी का ऐलान किया। डग फोर्ड ने कहा, हमारे पास चंद मेयर हैं जो आप जानते हैं सैंड बॉक्स में नहीं खेलना चाहते और एक मेयर क्रोमबी और मैं नहीं जानता कि उनका मसला क्या है। वजीर आजम ने कहा कि वो क्रोमबी और दीगर तमाम मेयर्स के साथ शराकत दारी के लिए कह रहे हैं, हम आपके साथ बाहमी तावन के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन हमें बोर्ड में शामिल होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना शुरू करना होगा और रोना धोना और शिकायत करना बंद करना होगा जो मैं आए दिन सुनता हूँ। एक बयान में क्रोमबी ने कहा कि वो रोना नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं और रिहायशियों के लिए खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। डग फोर्ड ने कहा कि मिसिसागा ने पिछले 2 सालों में नए घर खरीदने वालों पर अपनी फीस में तकरीबन 30% इजाफा किया है और इससे लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मिसिसागा पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अब हासिल होने वाले डेवलपमेंट चार्ज रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं कर रहा, ये कहते हुए कि शहर के पास लाखों डॉलर के तरक्याती चार्ज के ज़खायर हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में रवां हफ्ते गैस की कीमतें 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने की तवक्को है। माहरीन का कहना है कि सस्ती गैस की उम्मीद रखने वाले ड्राइवरों को इस हफ्ते के आखिर तक इंतज़ार करना चाहिए। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया में रवां हफ्ते गैस की कीमतें 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुँचने की तवक्को है। माहरीन का कहना है कि सस्ती गैस की उम्मीद रखने वाले ड्राइवरों को इस हफ्ते के आखिर तक इंतज़ार करना चाहिए। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में पेट्रोल की औसत कीमत 1 साल में सबसे कम होने की तवक्को है। बुध को 1 लीटर गैस 2022 की कम तरीन सतह 140.9 सेंट्स तक गिर गई। ये इस साल पहली बार हुआ है कि जनूबी ऑन्टेरियो में गैस 1.40 डॉलर फी लीटर के निशान से नीचे गिर गई है जो गुज़िश्ता साल दिसंबर के बाद सबसे कम कीमत पर पहुंच गई है। ये जुमेरात को मजीद 2 सेंट गिरकर 138.9 पर आने वाली है। जुमे को मजीद 3% कमी से गैस की औसत कीमत 135.9 सेंट फी लीटर हो जाएगी। मैकटेक ने कहा कि आखिरी बार गैस की इतनी कम कीमत 9 दिसंबर 2021 को थी। जुमे की कीमत में जून के बाद से 80 सेंट की कमी भी होगी जब गैस $2 फी लीटर से ऊपर थी। गैस की कीमतों में कमी का रुझान तेल की गिरती हुई कीमतों से मुंसलिक है। बुध की सुबह तेल की कीमतें 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं और दिन के आखिर में अमरीकी सप्लाई मैट्रिक्स सामने आने पर मजीद गिर सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग तवील हो सकती है, जौहरी जंग का खतरा बढ़ रहा है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग तवील हो सकती है, जौहरी जंग का खतरा बढ़ रहा है, जबकि अमरीका का कहना है कि रूस की सालाना इंसानी हकूक कौंसिल से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही है। उनका मजीद कहना है कि रूस पागल नहीं है, हम जानते हैं कि जौहरी हथियार क्या होते हैं, रूस जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि रूसी सदर की जौहरी हथियारों से मुतालिक लूज टॉक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का ये भी कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान खतरनाक हैं। दूसरी जानिब मुतहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता पेट्रोल मार्केट के मामलों पर गौर किया गया। रूसी सदर पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पेट्रोल के बरामद कुनंदगान की तंजीम ओपेक और तंजीम के अलावा बरामद कुनंदगान के ग्रुप ओपेक प्लस की कार्रवाइयों को मुस्बत करार दिया। बयान में कहा गया कि ओपेक प्लस की कारकर्दगी ने
عالمی پیٹرول مارکیٹ میں استحکام پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مغربی ممالک کی طرف سے روسی پیٹرول کے لیے سیلنگ پرائس کے اطلاع، لاجسٹک اور انرجی سمیت اقتصادی شعبے میں تعاون پر مشاورت کی گئی۔ چین اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط کر لیے گئے۔ چینی صدر سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ چین اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط کر لیے گئے۔ چینی صدر سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے چین کے صدر کا استقبال کیا۔ چینی صدر کا طیارہ سعودی حدود میں داخل ہوا تو طیاروں نے فضا میں استقبال کیا۔ چینی صدر کے طیارے کو سعودی طیاروں کے پروٹوکول میں لایا گیا۔ چینی صدر خلیج تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سبز توانائی، آئی ٹی، ٹرانسپورٹ، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں معاہدے کیے گئے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ بدھ کو سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تھے۔ انہیں اس دورے کی دعوت سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی تھی۔ رپورٹس کے مطابق چینی صدر سعودی فرما روا شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ سعودی چین مشترکہ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد سے شی جن پنگ کا یہ تیسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ 2016 کے بعد سعودی عرب کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے جو 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ نیوز آر پریسائز۔